हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज जो हमारी क्लास चल रही है वो पैनल में शॉर्टिंग को कैसे रिमूव करते हैं, इसकी क्लासेस अभी हमारी चल रही है। और जैसे कि अभी हमारे पास पैनल भी आया हुआ है जो कि ऑलरेडी शॉर्ट है, AOU का पैनल है, और इसके अंदर जो कि गेट लाइन जो है गेट को ऑफ नहीं है, तो अभी हम इसको देखेंगे किस तरीके से हम इसको रिपेयर करेंगे। तो अभी ये जो है नो पिक्चर की कंडीशन में है, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके की कंडीशन है यहाँ पे। तो जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो ये जो है हमारा सेट ऑन है लेकिन पिक्चर इसके अंदर नहीं है। अभी क्या है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पीसीबी कौन सी है इसके अंदर, ये 32 इंच का पैनल है जो कि इसके अंदर कॉमन फॉल्ट आता है नो पिक्चर का, जो कि हमारी गेट लाइन शॉर्ट होने की वजह से आता है। अभी ये जो गेट लाइन शॉर्ट है या नहीं है ये चीज़ हमारे को कैसे पता चलेगी, तो ये चलिए जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, तो इसको हम देखेंगे DSO की मदद से। तो DSO में क्या होता है कि हमारे को एक्चुअल एक तो पता लगता है और कम टाइम में हम जल्दी रिपेयरिंग कर सकते हैं। DSO हर कोई प्रेफर नहीं करता है क्योंकि थोड़ा सा कॉस्टली गैजेट है ये, और आप चाहे तो मल्टीमीटर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मल्टीमीटर से भी मैं आपको बता दूंगा और DSO से भी मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से हम इसको चेक करते हैं। अभी जैसे कि अगर हम देखते हैं, मेरे पास जो ये सेट है अभी ये ऑन कंडीशन में है, तो मैं इसको ऑफ़ करके दोबारा से ऑन करूँगा, और जब हम इसको ऑन करेंगे तो हम इसकी सभी वोल्टेज मेजरमेंट करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी वोल्टेज बन रही है, कौन कौन सी नहीं बन रही, और कौन कौन सी बननी चाहिए और कौन कौन सी नहीं बननी चाहिए। तो अभी जैसे अगर हम सेट को ऑन कर लेते हैं, ये सेट ऑन हो गया है मेरा, यहाँ पे क्या है लाइट दिखाई देती है यहाँ पे साइड में, तो इससे मेरे को पता लग रहा है कि सेट मेरा ऑन हो चुका है। और इसकी अगर हम देखेंगे, सबसे पहले अगर मैं वोल्टेज चेक करता हूँ तो ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है मेरी बिल्कुल परफेक्ट है, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ ये 12 वोल्ट है, 11.9, ये बिल्कुल ओके। ये जो वोल्टेज है ये वोल्टेज हमारी DC to DCIC में जाती है, और DC to DCIC वोल्टेज आउट करती है 3.3 वोल्ट की सप्लाई। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये हमारे को फ्रिक्वेंसी के साथ आउट कर रही है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, यानी कि जो हमारा DC to DCIC है उसके अंदर बक कन्वर्टर होता है। तो जब बक कन्वर्टर काम करता है तो उसके अंदर क्या होते हैं, दो MOSFET होते हैं, वो स्विचिंग करते हैं बहुत फास्ट, और उसको मल्टीमीटर से देखना पॉसिबल नहीं है, उसको हम DSO से ही चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये कॉइल लगी हुई है 3.3 वोल्ट की, जो कि यहाँ पे हमारे को क्या बता रही है कि यहाँ पे जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो बिल्कुल ओके है। और अगर मैं इसके आउटपुट में चेक करता हूँ तो आउटपुट में मेरे को कोई फ्रीक्वेंसी नहीं मिलेगी, ये देखो, यानी कि यहाँ पे जो 3.3 वोल्ट की जो सप्लाई थी मेरी वो बिल्कुल एक्यूरेट है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो, ये 3 वोल्ट मेरा बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है ना, 3 वोल्ट आ रहा है। अगर हम एक साइड यहाँ पे देख रहे हैं तो हमारे को फ्रीक्वेंसी के साथ वोल्टेज मिलती है, ये फ्रीक्वेंसी के साथ मिल रही है, और दूसरी साइड अगर हम देख रहे हैं तो हमें फ्रीक्वेंसी नहीं मिल रही है। कॉइल का काम होता है करंट में होने वाले परिवर्तन का विरोध करना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये कॉइल जो हमारे करंट में चेंजेस आ रहे हैं, अप डाउन हो रहे हैं, उसको वो स्टेबल करती है। तो ये हम किससे चेक कर सकते हैं, ओनली DSO से, मल्टीमीटर नहीं बताएगा। उसके बाद जैसे अगर ये वोल्टेज है तो ये वोल्टेज हमारी कहाँ कहाँ पर जाती है, रोम IC में भी चली जाती है। ये पिन नंबर 8 पे अगर देखते तो 3.3 वोल्ट, 3 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे ओके है, ये देखो, ये 3 वोल्ट की सप्लाई है, ये देखो 3 वोल्ट ओके है, ठीक है। और अगर हम देखते हैं आगे तो ये 3 वोल्ट की सप्लाई हमारे टीकॉन IC में भी जा रही है, और टीकॉन IC के अंदर और कौन सी वोल्टेज आ रही है, 1.8 वोल्ट। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ 1.8 वोल्ट, ये देखिए ये आ रही है,
तो 1.8 वोल्ट के लिए यहाँ पे एक रेगुलेटर लगा हुआ है, ये देखो 1.8 वोल्ट आउटपुट कर रहा है ना, और यहाँ पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई है इनपुट कर रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या है, हमारे को क्या मिलना चाहिए, एवीडीडी वोल्टेज। तो अगर हम एवीडीडी वोल्टेज देखते हैं तो एवीडीडी वोल्टेज हमारे को इस डायोड पे मिलना चाहिए, ये कॉइल लगी हुई है यहाँ पे, जो हमारा सर्किट है इस सर्किट को बोलते हैं बूस्ट सर्किट। क्या बोलते हैं? बूस्ट सर्किट। बूस्ट सर्किट का काम क्या होता है, वोल्टेज को बढ़ाना। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो बूस्ट सर्किट में हमारे को क्या वोल्टेज हमारे को मिल रहा है, 12 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। तो 12 वोल्ट तो हमारा इनपुट हो रहा है, 12 वोल्ट ही हमारे को आउटपुट में मिल रहा है बूस्ट सर्किट के, तो यानी कि बूस्ट सर्किट काम नहीं कर रहा। बूस्ट सर्किट काम करेगा तो यहाँ पे वोल्टेज बढ़ना चाहिए, है ना, एवीडीडी वोल्टेज यहाँ पे बनना चाहिए। अब यहाँ पे तो ये वोल्टेज बन ही नहीं रहा, तो अब इसकी हमारे को कन्फर्मेशन लेनी है कि डीसी टू डीसी आईसी वोल्टेज नहीं बना रही या फिर हमारी पैनल में शॉर्टिंग है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी डीसी टू डीसी आईसी ख़राब हो जाएगी तो भी बूस्ट वोल्टेज नहीं बनेगा, और पैनल में शॉर्टिंग है, सी के वी ट्रैक शॉर्ट हो जाते हैं, सबने ही सुना होगा सी के वी ट्रैक, है ना, बहुत हवा बना रखा सी के वी ट्रैक का, है ना, फॉल्ट निकलता नहीं है लोगों से, तो सीक्वेंस से चलना ज़रूरी है। तो पहले हमारे को ये चीज़ कंफर्म करनी है कि डीसी टू डीसी में दिक्कत है या सी के वी ट्रैक में दिक्कत है। तो वो चीज़ कैसे कंफर्म करेंगे, देखो अगर सी के वी ट्रैक शॉर्ट होगा तो डीसी टू डीसी आईसी किस में चली जाती है, प्रोटेक्शन में चली जाती है, और वो प्रोटेक्शन में चली जाएगी तो आपका कोई भी बूस्ट सर्किट काम नहीं करेगा, और डीसी टू डीसी ख़राब हो जाए तो भी बूस्ट सर्किट काम नहीं करेगा। तो हम ये चीज़ कंफर्म करते हैं कि हमारी आईसी प्रोटेक्शन में जा रही है या नहीं जा रही है। तो उसका तरीका क्या है, हम डीएसओ से भी पता कर सकते हैं और मल्टीमीटर से भी पता कर सकते हैं, दोनों के तरीके मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो चलो देखते हैं, यहाँ पे ये हमारा बूस्ट सर्किट है, बूस्ट सर्किट में क्या लगता है, डायोड लगता है, ये कॉइल लगी हुई है, कॉइल और डायोड के जो बीच में, कॉइल और डायोड के बीच में पल्स बनती है, क्या बनती है, और वो पल्स बनेगी तो ही वोल्टेज बूस्ट होगा, पल्स बनती है मॉस्फेट के थ्रू, मॉस्फेट कहाँ है, आईसी के अंदर कंबाइंड है, मॉस्फेट आईसी के अंदर कंबाइंड है, किसी किसी में बाहर भी मिल सकता है, डिपेंड करता है कंपनी ने कौन सी आईसी यूज़ की है, सस्ती यूज़ करेगी तो मॉस्फेट अलग से लगाना पड़ेगा, महंगी यूज़ करेगी तो उसके अंदर ही मिल जाएगा, है ना। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये जो डायोड है, इन डायोड के अगर मैं बीच में लगाता हूँ तो देखो मेरे को ओनली क्या मिल रहा है, 12 वोल्ट मिल रहा है ना, और मुझे यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा, पल्स वगैरह कुछ नहीं मिल रही। तो मैं क्या करूँगा, पावर निकाल कर, अब आप नज़र रखना डीएसओ पे, ये देखो ये मैंने पावर लगाया, और पावर लगाने के बाद मैं क्या करूँगा, सेट को ऑन करूँगा, ये मैंने सेट को ऑन किया, देखो पल्स बन के और चली गई, बिल्कुल एक सेकंड में, विद इन सेकंड में पल्स बन के चली जाती है, यानी कि आईसी ऑन होने की कोशिश करती है लेकिन वो प्रोटेक्शन में चली जाती है, ठीक है। दोबारा दिखा देता हूँ एक बार, क्योंकि बहुत फास्ट चलता है प्रोसेस, ये देख लो दोबारा, ये मैंने पावर लगाया, और पावर लगाने के बाद अब मैं क्या कर रहा हूँ, सेट को ऑन कर रहा हूँ, ये देखो बन के चली गई। इसका मतलब क्या है कि हमारे ग्लास के अंदर शॉर्टिंग हो रही है, पैनल के अंदर शॉर्टिंग है, ठीक है ना। लेकिन अगर हमें इसको सही करना है, पहले मल्टीमीटर से भी तरीका बता देता हूँ आपको, फिर सही करने का तरीका बताऊँगा। तो मल्टीमीटर से कैसे क्या चेक करेंगे कि हमारा एवीडीडी का पॉइंट होता है, एवीडीडी का
पॉइंट होता है ना, टेस्टिंग पॉइंट होता है, तो हम टेस्टिंग पॉइंट पे लगा के रखेंगे एवीडीडी के। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं एवीडीडी का जो टेस्टिंग पॉइंट है, या फिर एवीडीडी के टेस्टिंग पॉइंट पे लगा लो, चाहे आप डायोड के कैथोड पे लगा लो, बात एक ही है। तो यहाँ पे अगर ये डायोड का कैथोड है ये रहा, तो मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। अभी मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, ठीक है ना, क्या आ रहा है 12 वोल्ट, ठीक है। अब मैं इस पावर को ऑफ करके, पावर मैंने ऑफ कर दी, अब मैंने पावर दिया और मैं सेट को ऑन करूँगा। मल्टीमीटर पे नज़र रखना, देखो 14 वोल्ट आया था लेकिन वो चला गया, 14 वोल्ट आया था लेकिन वो चला गया। अगर वो स्टेबल आता रहेगा तो हमारी पिक्चर बन जाएगी, तो अभी हमारे को वो स्टेबल करने की ज़रूरत है, क्योंकि भैया जब तक पैनल लॉक के नहीं होगा तो कस्टमर पैसे थोड़ी देगा कि देगा। अब लोग क्या करते हैं कि जिन टेक्नीशियनों को नॉलेज नहीं होती वो सुबह से शाम हो जाती है लेकिन लगे रहते हैं। तो इसमें क्या है कि जब तक आप ट्रेनिंग नहीं लोगे तब तक आपको प्रॉपर तरीके से पता नहीं चलेगा कि पैनल काम कैसे करता है। जब तक पैनल की वर्किंग नहीं पता तो अंधेरे में तीर मारने से कोई फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, इससे क्या होता है कि टाइम ख़राब, सब कुछ ख़राब। तो मुद्दे पे आते हैं, इसको हम रिपेयर कैसे करेंगे। तो देखो इसके अंदर क्या है, ये हमारी स्कैन ड्राइवर आईसी लगी हुई है यहाँ पे, देखो ये स्कैन ड्राइवर आईसी है, ठीक है। और ये जो स्कैन ड्राइवर आईसी है, इसी स्कैन ड्राइवर आईसी से हमारे जो ट्रैक निकलते हैं, वो ट्रैक जो है यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 2 0 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है, उस 0 ओम की रेजिस्टेंस के थ्रू हमारे गेट सिग्नल जाते हैं। अब ये जो हमारे कईयों में हमारे को कटिंग करनी पड़ती है, तो कईयों में हमारे को क्या है, हमारे को इस तरीके के रेजिस्टेंस मिलते हैं, कई में क्या करना पड़ता है, कटिंग करनी पड़ती है, काटना पड़ता है। काटोगे तो क्या करना पड़ता है, कई बार जोड़ना भी पड़ेगा, टाइम लगता है। और जिसके अंदर क्या है, कंपनी ने ऑप्शन दे रखा है, रेजिस्टेंस लगा रखे हैं, तो उस कंडीशन में क्या है, हमारे को रेजिस्टेंस रिमूव करके देख सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस रिमूव करने पे हमारे ट्रैक क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले हम ये काम करके देखते हैं, ठीक है ना। तो चलो पेस्ट लेते हैं और इनको हम रिमूव करते हैं, सेट को कर लेते हैं ऑफ, ठीक है। थोड़ा सा हीट बढ़ाओ और एयर बढ़ाओ, हल्की सी एयर भी बढ़ाओ, बस। अब यहाँ पे देखोगे तो हमारे 2 0 ओम के रेजिस्टेंस है, इनको हम रिमूव करके देखते हैं, अगर इससे नहीं होता तो हमें भी ट्रैक कटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि सबके अंदर ही वो रेजिस्टेंस मिलेगा, कई बार ट्रैक काटने भी पड़ते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि हम इनको रिमूव कर लेते हैं, ये मैंने एक रेजिस्टेंस निकाल दिया, तो पकड़ो एक रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस जब तक संभाल के रखने हैं जब तक फोल्ड क्लियर ना हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ से मैंने 2 रेजिस्टेंस को रिमूव करा है। अभी ये क्या है, हमारा जो ट्रैक है जो यहाँ से हमारे यहाँ पे आ रहा था, वो क्या हो गया, ओपन हो गया, गेट सिग्नल जो हमारे यहाँ हैं ओपन हो चुके हैं। जैसे हम कटिंग करते हैं, हमने रेजिस्टेंस निकाल दिए, ठीक है ना। तो अब देखते हैं कि हमारा क्या कंडीशन बनती है, अब भी हमारा प्रोटेक्शन में जा रहा है या क्या दिखा रहा है। तो मल्टीमीटर से पहले चेक करेंगे, देखो मल्टीमीटर से मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर जो टेक्नीशियन है वो मल्टीमीटर का यूज़ ज़्यादा करते हैं, तो इसलिए मैं मल्टीमीटर पे दिखा रहा हूँ। तो ये सेट ऑन हो गया है, अभी यहाँ पे देखो क्या दिखा रहा है, रोटे बन गए, 15 वोल्ट हमारा बन गया, और 15 बन गया तो इसका मतलब हमारा देखो वीजीएच भी बन रहा है,
VGH वोल्टेज देखते हैं यहाँ पे, ये VGL आ गया -8 वोल्ट, ठीक है ना, और आपका VGH भी यहाँ पे बन ही रहा होगा। ये आपका AVDD देखो पॉइंट यहाँ पे है 15 वोल्ट, ओके है। तो ऑलमोस्ट क्या है, वोल्टेज तो हमारी बन गई है। ये आपका AVDD है, AVDD का सर्किट है सारा। देखते हैं क्या सिचुएशन है पैनल की। पैनल देखो यहाँ पे नो पिक्चर में दिखा रहा है यहाँ पे। तो ये पैनल क्या हो गया हमारा, ओके हो चुका है, ठीक है। तो यानी कि हमारी सभी वोल्टेज परफेक्ट बन रही है। अगर हम देखते हैं DSO से जो हम आपको दिखा रहे थे फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी पहले क्या हो रही थी, आके जा रही थी। यहाँ देखो ये फ्रीक्वेंसी बन रही है हमारी, ठीक है ना। क्लियर है। अब एक साइड देखो हमारा क्या वोल्टेज बन रहा है, 11.6, और आउटपुट में देखते हैं देखो क्या बन रहा है, 15.4, ठीक है ना, क्योंकि डायोड और कॉइल के बीच में स्विचिंग हो रही है। तो जब यहाँ पे स्विचिंग हो रही है तो वोल्टेज उतना ही रहेगा। वोल्टेज कब बढ़ेगा, डायोड के बाद, ठीक है। तो इस तरीके से पैनल को रिपेयर किया जाता है। अगर आपको भी पैनल रिपेयर करने में दिक्कत आती है दोस्तों, तो आप भी हमारी ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।